गाइस यहाँ पर दुनिया की पहली बोलती हुई रामायण है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी मैडम आपको बताने वाली है। नमस्कार मैडम। जी जी नमस्ते। मैडम ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कुछ की बोलती हुई रामायण आप लेके यहाँ पर आए, क्या है ये? जी जी। इसके बारे में जरा बताएंगे? हाँ जी सर, ये 2015 से ये मिशन चल रहा है और पूरी रामचरित मानस को रिकॉर्ड करवाया गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आया कि सबके घरों में रामायण की पुस्तक होती है, बट पुस्तक खुलती नहीं है समय के अभाव में। और जैसे जैसे रामायण की पुस्तक से दूर होते जा रहे हैं, संस्कारों से दूर हो रहे हैं, तो रामायण के संस्कार लोगों में आए, बच्चों में आए, हमारी आने वाली पीढ़ी में आए, और ये संस्कारों को जोड़ने के लिए रामायण को पहले रिकॉर्ड करवाया गया। ठीक है, फिर पूरी रामचरितमानस रिकॉर्डिंग हुई, फिर डिवाइस का निर्माण हुआ ताकि आसानी से घरों में चले। तो एक तो रामायण की चौपाइयों से दिव्यता आती है घर में, और जो चौपाई सुनते हैं तो बच्चे घर में पूछते हैं अपने दादा दादी से कि इस चौपाइयों का मतलब क्या है, तो वहाँ से एटलीस्ट डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, रामायण पे चर्चा होती है, और जब चर्चा होगी तो ऑटोमेटिकली रामायण के संस्कार बच्चों में आएंगे, माहौल अच्छा होगा। फिर अब 8 साल के मिशन से में अब इस बोलती रामायण में सब कुछ आ गया, पूरी सनातन संस्कृति इसके अंदर समाहित है। दिखाएंगे क्या चीज़ है? ये डिवाइस है जी, डिवाइस दिखाइए जरा। जी जी, इस डिवाइस के अंदर सब कुछ है, पूरी रामायण, गीता, भागवत, दुर्गा सप्तशती, शिव पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, गरुड़ पुराण, देवी भागवत पुराण, जितने अपने प्रमुख मंत्र है देवी देवताओं के, सबके मंत्र हैं, आरती, भजन, धुन। बच्चों के लिए भी रामायण की स्टोरी टाइप में बनाई गई, जो 5 साल के बच्चा जो बोलना सीखता है उसको भी आप सुनाओगे तो वो बड़ी रुचि से लेके इसको सुनेगा। और सिर्फ कहानी नहीं, कहानी के साथ साथ संस्कार भी दिए गए, गाइडेड मेडिटेशन, ये सब है। अब इसको चलाना बहुत आसान है, बस बटन दबाएंगे और चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मान लो इसमें रामायण चलने लगी, इसमें नंबर सिस्टम है। हाँ, मेरे को महाभारत चलाना अच्छा, ये किताब है, नंबर सिस्टम है, क्या चीज चलानी है वही नंबर आपको प्ले करना है। अच्छा, ये यहाँ पे नंबर वगैरह दे रखे हैं, ये नंबर दबाएंगे वही बजेगा। महाभारत पे जाना तो महाभारत का नंबर, मतलब डायरेक्ट नंबर दबा दो, कुछ नहीं करना है। तो टेक्नोलॉजी को भी यूज किया गया है और ज्ञान और विज्ञान का संगम है। बाकी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हर तरफ रामायण की चौपाइयाँ हैं, बहुत सारे रामायण के बॉक्स रखे हैं, इन बॉक्स के अंदर यही वाला डिवाइस है, और इसके साथ में क्या क्या मिलता है? खास बात ये है, अमेजोन फ्लिपकार्ट या किसी दुकान पे नहीं दिया गया, बोलतीरामायण.com से लोग मंगाते हैं और अति संतुष्ट हैं। 1 साल की तो गारंटी डिवाइस पे, और लोगों के घरों में 5-5 सालों से बज रहा है, और लाइफ टाइम कभी भी खराब हो जाए तो रिपेयर की भी गारंटी संस्था ने दी है। अच्छा, आपकी कौन सी संस्था है? ये प्रयास संस्था है, भांगड़ सीमेंट है, उन्हीं के चेयरमैन का फाउंडेशन, और फरीदाबाद हमारा ऑफिस है, और आप हॉल नंबर 11 स्टॉल नंबर 11 डी में आकर, जो भी राम भक्त है आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया करके इसको आके समझने का प्रयास करें। मेरा एक सवाल है, हाँ। आप कह रहे हो कि ये बोलती हुई रामायण है, हाँ। बोलती रामायण, हाँ। जो इसमें डिवाइस में आपने रिकॉर्डिंग रखी होगी वही चलती होगी? नहीं, नहीं। अगर हम YouTube पे जाएंगे तो YouTube पे भी सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, YouTube पे देखिए, ये भी एक भ्रम है, YouTube पे सब कुछ मिलता है। अगर सब कुछ मिलता होता ना तो भांगड़ जी भी पूरा रिकॉर्ड करवाते नहीं। ये रामचरितमानस फर्स्ट टाइम इंडिया में पूरी रिकॉर्ड हुई है, ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है, वर्ड टू वर्ड है, कटा छटा नहीं है। YouTube वगैरह पे कटा छटा होता है, कुछ कुछ पोर्शन मिलते हैं, तो एक डिवाइस में सब कुछ पहले से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सर्टिफाई किया हुआ है, यानी आप जो चीज ले जा रहे हो वो दिव्य है, ऑथेंटिकेटेड है, प्योर है, ओरिजिनल है। तो ये दुनिया की पहली बोलती हुई रामायण है। अभी तक हमने ग्रंथों में पढ़ा था, जो ग्रंथ आता रामायण की पुस्तक आती है वहाँ पढ़ा था, और अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ये डिवाइस ले लीजिए, इसके अंदर रामायण और सारी चीज गीता भागवत जो भी आप सुनना चाहते हैं, पूरी सनातन संस्कृति इसके अंदर है, आप जो सोचोगे इसके अंदर उपलब्ध है। तो अलग अलग डिवाइस नहीं है, एक ही डिवाइस है, तो आसानी से सुना जा सकता है। सुबह लगा दीजिए, काम करते हुए भी किचन में लेडीज लोग लगा देती है आसानी से, जो किताब पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, तो रामायण की कहानी, रामायण की छुपाइयाँ, और या शिव पुराण, विष्णु पुराण, जैसे भी एकादशी आज है तो एकादशी की व्रत कथाएं सुन लेती हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर लेती हैं, तो ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। और ये कितने रुपए का है? ये इसमें 3 वर्जन्स हैं, गोल्ड, ये 3 वर्जन्स आप देख लीजिए। आप तीनों दिखा दो डिब्बे निकाल के, एक तो ये एक जैसे डिवाइस है, अच्छा, सिर्फ कंटेंट का अंतर है, अच्छा, बहुत सिंपल है, जैसे राम जी सरल है वैसे बोलती रामायण सरल। अरे वाह, मतलब ये बॉक्स जो आपका जो स्पीकर है ये सेम रहेगा, इसमें जो कंटेंट डाले गए उसका प्राइस रहता है? जरा समझा दीजिए, अलग अलग है, जी, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है, दो प्रकार के, जी, और इसमें ये जो है 3200 का है, ये कंटेंट का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, कोई सा भी ले जाए। अच्छा, जैसे इसमें ये सारा समझ गया, मतलब उनमें क्या क्या मिलने वाला है, जो सबसे महंगा है वो 3200 रुपए का, मात्र 3200 रुपए का है, और 300 घंटे के कंटेंट है इसके अंदर। अरे वाह, 300 घंटे का, हाँ, बढ़िया, एक एक चीज को बहुत तरीके से रिकॉर्ड करवाया। तो हमारी संस्कृति वापस हमारे घरों में फिर से आने वाली है, आ ही रही है, कुछ लोग जो छोड़ चुके हैं पीछे भूल चुके हैं उन लोगों को फिर से जोड़ने की कोशिश चल रही है, और बहुत कम प्राइस में, और ये 7वां महाद्वीप पहुंच चुका है। हाँ जी,
सातों महाद्वीप जी, सिर्फ भारत में नहीं, भारतीय जो सनातनी रहते हैं, जो सनातनी भारत छोड़ चुके दूसरे देशों में चले गए वो भी इसको यूज कर रहे हैं। क्या बात है भाई, ये दुनिया की पहली ऐसी रामायण है जो कि बोलती हुई है। आपने बोलती हुई रामायण शायद पहले कभी देखी हो। और बाकी यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स यहाँ पर कटिंग वगैरह लगी हुई है, ये क्या है? ये हम लोग जिन जिन शहरों में जाते हैं तो वहाँ के न्यूज़पेपर वाले खुद आके, जैसे आपने रुचि ली वैसे वो लोगों को लगता है कि अद्भुत कार्य हो रहा है, तो उसके बारे में आर्टिकल लिखते हैं। फिर उन आर्टिकल को पढ़कर दूर दूर से लोग हमारे स्टॉल पे विजिट करते हैं और घर में लेके जाते हैं, और जब ले जाते हैं तो वो खुद इसका आनंद उठाते हैं और दूसरे इसी रामायण का प्रचार करते हैं कि इसको सुनना चाहिए, और बुजुर्ग लोगों को देते हैं, लोग गिफ्ट करते हैं नव वधु को मुंह दिखाई में इसको देते हैं। अरे वाह, क्या बात है। वो रामायण के संस्कार दिए और वो खुश होती है, अच्छा गैजेट मिल गया, तो रामायण भी सुनती है और कभी मन आया तो उसके गाने भी सुन लेती है। और ये एक ऐसी चीज जब रोज प्ले होगा तो रोज उसकी याद आएगी गिफ्ट देने वाले की। ये ऐसी चीज है जो बुढ़ापे में नहीं, होश संभालते ही पढ़ने की चीज है। बिल्कुल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपका काम बहुत अच्छा है। थैंक यू।